अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब के। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। ये हैं हम, हमारे करीबी एक रेस्टोरेंट है मेट्रो के नाम से, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। वैसे हम लोग जो है ना, खाने से ज़्यादा जो है ना वो फिरना और घूमना जो होता है ना उसको प्रेफर कर रहे होते हैं। कोशिश होती है कि दूर किसी पे जाएं, लाइक वो डिफेंस साइड चले जाएं या फिर एक बाहर हाईवे की साइड जो है ना, तकरीबन घर से मतलब कोई 1.5 घंटा आपको लगे तब हमें जो है ना वो मज़ा आ रहा होता है। लेकिन ये वाला रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है अगर करीब जाना हो हमने तो। यहाँ पे जो है वो हमारी एक गेस्ट आए हुए थे काफ़ी दिनों से, 2-4 दिनों से, तो उनको जो है वो हमने करना था, सी ऑफ करना था, उनको छोड़ के आना था। और वो पंजाब साइड से आए हुए थे और उनके जो रिलेटिव थे ना वहाँ पे जाके उन्होंने फिर जो है ना वो अपने घर जाना था। तो पहले हम लोगों ने जो है वो खाना ऑर्डर कर दिया, देन बच्चों को जो है वो झूले वूले जो है वो बच्चों ने का जो दिल किया इन्होंने काफ़ी झूले वगैरह लिए। तो काफ़ी खुली जगह पे ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, यहाँ पे आप किसी गेस्ट को लेकर जाएं या ख़ुद भी जाएं, बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं, काफ़ी खुला है। वैसे हम लोग गर्मियों में तो यहाँ पे जो है ना वो बाहर सेटअप जो बना है वहाँ पे बैठना मज़ा आता है, लेकिन यहाँ पे ना अंदर भी बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट, अंदर बहुत सफाई, खूबसूरत, क्लीन, और ऊपर नीचे कोई जो है ना वो 3 फ्लोर्स पर ना ये बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, और लोग जो है ना मोस्टली अंदर कोई भी नहीं बैठा हुआ था, हैरत की बात है। जितने भी लोग आते हैं ना वो बाहर ही बैठ जाते हैं और अंदर जो है यहाँ तक अभी तक कोई नहीं था। अच्छा, हमें ये था कि हम लोग जो है ना वो 7 बजे यहाँ शायद पहुँच गए थे, क्योंकि हमें जो है वो उनको जो है वो पहले खाना खिलाना था और फिर जो उनको छोड़ने जाना था, इसलिए 7 बजे ना हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। तो इसलिए ज़रा रश जो था ना अंदर तो बिल्कुल नहीं था, बाहर फिर भी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। मैं अब आपको ऊपर से दिखाती हूँ। तो ये वाला इनका जो है ना, अगर हम लोग अंदर भी, लास्ट टाइम आपको याद होगा हमारे एक और गेस्ट आए हुए थे तो उनको, उनके साथ हम लोग यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे जो है ना वो बर्थडे का जो है वो सेटअप बना हुआ था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे छोटा व्लॉग बनाते हैं और थंबनेल बनाते हैं, और ये बर्थडे किसकी थी ये मुझे भी नहीं पता था। और फिर हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर आ गया जो जो जिस जिसने खाना था, और इनके इनके खाना भी काफ़ी जो है ना वो मज़े का है, काफ़ी में इम्प्रूवमेंट आई है अपने डे बाय डे, ये ना अपने खाने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, सफाई सुथराई का, रेस्टोरेंट अच्छा है और खाना भी अच्छा है, और सामने सामने इन्होंने अपना किचन और जो डिश वॉश का एरिया जो है ना, क्लीनिंग एरिया सामने बनाया हुआ है ताकि जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड हों। तो लोगों को जो जहाँ यहाँ करीब है ना हदीद पड़ता है तो उनको यहाँ पे लाजमी आना चाहिए, आते हैं बहुत सारे लोग। मतलब ये है कि सामने ही हर चीज़ क्लीन हो रही होती है, धुल रही होती है, प्लेट्स साफ़ हो रही होती हैं, तो ऐसी जगहों पे तो वाकई जाना चाहिए। तो जो कढ़ाही शढ़ाही और बर्गर शर्गर और ब्रोस्ट और क्या था सैंडविच थे जो जिसने खाना था वो हम लोगों ने मंगवा लिया, और फिर खाना शाना खा के बच्चों ने झूले शूले ले के, और फिर भी हमें जो है ना वो जाते जाते जो है वो 11 बज गए, और फिर वापस आते आते 12 बज गए कि हम लोगों ने थोड़ा सा, हस्बैंड ने भी दूसरे दिन गांव जाना था तो रात भर जो है ना वो समझे कि हम लोग घूमते ही फिरे। तो ये छोटा सा व्लॉग था, कैसा लगा आपको? अल्लाह हाफिज़।